नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स बाय इंडियन आर्मी के बारे में है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी अलग अलग दिनों में अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग टाइप की कोर्सेज और अलग अलग टाइप की जॉब वैकेंसीज निकालती है, जिसमें वो अलग ग्रेजुएशन और आपके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से आपको हायर करती है। ये जो इस बार की वैकेंसी है उसका नाम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो कि 133rd टाइम निकली है। इसमें आपको आर्मी में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ ये पहला ऐसा है जिसमें आपको कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये उन वैकेंसीज में से है जिसमें आपको डायरेक्टली इंटरव्यू मिलता है। कुछ वहां पे इंडियन आर्मी में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जॉब वैकेंसी जिसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। पर ये उनमें से है जिसमें आपको डायरेक्टली इंटरव्यू मिलता है अप्लाई करने के बाद, अगर आप उनकी क्राइटेरिया में सिलेक्ट हो जाते हैं तो। तो आइए इसके बारे में कुछ खास डिटेल हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पहला ये है कि नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। आप किसी भी और ओरिजिन के एनआरआई अगर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 27 साल के बीच की ही होनी चाहिए, या फिर आप 1 जुलाई मतलब 2021 जब आप फॉर्म भरने वाले हैं या आपका जब इंटरव्यू होगा उससे पहले आपकी एज 20 से 27 के बीच में ही होनी चाहिए। और इसका जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आप यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन के वक्त भी, साथ ही साथ इंटरव्यू के वक्त भी, ताकि आपकी एज को जस्टिफाई कर सके। इसके अलावा कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार है, क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी है ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के बारे में है, इसलिए आपकी जो एजुकेशन है वो बीई, बीटेक, एमई या एमटेक होनी चाहिए। इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स के लोगों को ही इसमें अलाउ है पार्टिसिपेट करना। अगर आपने अभी तक अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी, जैसे आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या आपकी एक सेमेस्टर की बची है, जैसे आपका ये अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, मान लीजिए आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, और अगर आपका 1 जुलाई तक आपका फाइनल मार्कशीट नहीं आती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप फाइनल सेम के बच्चे हैं। और जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर जो आपका ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग पीरियड है उसके पहले जैसे ही आपका मार्कशीट आ जाएगा फाइनल, आप वहां पे लगा के सबमिट कर सकते हैं। आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए कोई भी पीरियड में, चाहे पहले के इयर्स में हो चाहे अभी के इयर्स में हो। आपके जो एक क्यूमुलेटिव मार्क्स है वो एक अच्छे परसेंटेज के होने चाहिए, ताकि जब आगे कट ऑफ वाली बात आए जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो तो आप उसमें जरूर सिलेक्ट हो जाए। इसमें जो वैकेंसी है वो कुल 40 वैकेंसीज है, 40 सीटें हैं, जिसमें से अलग अलग स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस के हिसाब से उन्हें भाग कर दिया गया है। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक पीडीएफ का लिंक, उस पीडीएफ को आप खोलने के बाद आपको इन सारी कितनी ब्रांचेस में कितनी वैकेंसीज हैं और बाकी के सारे डिटेल्स भी आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर एक बार देख लें। इन सारे डिटेल्स को देखने के बाद आप इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपको अभी फिलहाल आपका जो प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग का, उसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए, अगर आपका जो परफॉर्मेंस सिलेक्ट हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वहां पे, जो कि आप अगर रैंक बेसिस पे आएंगे तो जैसे आपने सारे अपनी मार्कशीट्स भरी, जो आपके स्कोर्स हैं या जो आपके प्रॉपरली जितना, जैसे उनका कट ऑफ क्या मान लीजिए 80%, तो अगर आपका जो स्कोर है पिछले सारी मार्कशीट्स का या फिर फाइनल मार्कशीट का वो 80% से ज्यादा है तो वो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे और अपनी टॉप जो 40 की लिस्ट रहेगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। उसमें से अगर एक दो लोग ऑप्ट आउट करते हैं या फिर छोड़ देते हैं तो भी अगर आप 41-42 हैं तो आपका नंबर आ सकता है, इसकी उम्मीद रहती है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं फिर बाद में नहीं कर पाते हैं ज्वाइनिंग। लेकिन आपको इस चीज पर पूरा ध्यान देना है कि आपका जो मार्क्स है वो अच्छे रहें, और अगर आपकी शीट्स प्रॉपरली नहीं है, उनका जो कट ऑफ है वो वैसे तो कुछ फाइनल नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे बच्चों ने फॉर्म भरा है और कितना हाइएस्ट कट ऑफ जाता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उसके बाद आपका वहां पे इंटरव्यू के बाद आपका, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उस मेडिकल टेस्ट के बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा जो कि देहरादून में रहेगा। उस ट्रेनिंग पीरियड के बीच में आपको मतलब पूरी तरह से वहां पे सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको लेफ्टिनेंट की पोजिशन के लिए पूरी तरह ट्रेन किया जाएगा, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी आपको 2 स्टार्स मिलेंगे अपने यूनिफॉर्म में और आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन में हायर हो जाएंगे। फिर ग्रेजुअली वक्त के साथ जैसे आपकी परफॉर्मेंस इनहांस होगी उसी तरह से आपका पोजीशन भी बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी।
जो आपकी ट्रेनिंग है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है वहां पे होगी, 49 वीक्स की रहेगी। उस बीच का जो टाइम पीरियड है आपके अप्लाई करने से लेके ज्वाइनिंग के बीच का, उसमें आप अनमैरिड ही होने चाहिए। ये उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये पोजीशन है। तो अगर कोई वुमेन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहती है तो आप प्लीज कोई दूसरा बेसिस पे या दूसरे कोई एग्जाम के जरिए जो कि CDA वगैरह होते हैं उनके जरिए अप्लाई कर दीजिए। पर ये जो पोजीशन है और ये जो इस बार की वैकेंसी है ये सिर्फ ग्रेजुएट मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए ही है। आपका जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है, रहने का कॉस्ट है, साथ ही साथ बाकी आने जाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी तो फिलहाल आपको बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद वो सब कुछ इंडियन मिलिट्री एकेडमी ही बेयर करेगी सब। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपको ट्रेनिंग पीरियड में कुछ स्पेसिफिक स्टाइपेंड मिलेगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके उस वक्त के लिए, फिर धीरे से जैसे ही आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी और आपका 49 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको लेफ्टिनेंट की पोजिशन मिलेगी और 50,000 to 70,000 के बीच की आपकी पे रहेगी जो कि काफी अच्छी है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाएगी। इसके अलावा आपको बाकी सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे जो कि एक आर्मी जॉब में मिलते हैं, आपका रेंट वगैरह, रहना, एजुकेशन आपके फैमिली का, बच्चों का, साथ ही साथ आपका ग्रोसरी वगैरह का और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का और अलग अलग पेपर्स में जो आप जो स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिलता है या फिर जो स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं आप सबके लिए वो सब कुछ फुलफिल करने को आपको मिलेंगे। अब इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस इस प्रकार है, सबसे पहले वो शॉर्टलिस्ट करेंगे उन कैंडिडेट्स को जिनके मार्क्स उनके जो कट ऑफ के क्राइटेरिया है उससे ऊपर आएंगे, उन लोगों को सिलेक्ट करके वे कॉल करते रहेंगे, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये इंटरव्यूज कुछ कुछ बड़ी सिटीज में होते हैं जैसे कि भोपाल हो गया और चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, जैसे जो बड़े शहर हैं जहां पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे होते हैं। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वहां पे जो अपना इंटरव्यू का पैनल भरेंगे तो आपको दिल्ली ही मिलेगा। ऐसा हमेशा होता है कि जो सिटी से आप बिलोंग करते हैं आपको उसके अलावा कोई भी दूसरी सिटी का मिलता है, वो कुछ उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सेम सिटी आपको नहीं देते हैं। तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा कि आपको जहां से भी इंटरव्यू कॉल आएगा आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये आपके इंटरव्यू के दो स्टेजेस रहेंगे। इसके बाद आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि वहीं पे वो करवाएंगे अपने ही किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में या फिर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे। उसके अलावा आपको जो आने जाने के ट्रैवल एक्सपेंसेस है, जैसे आपको वहां अगर आप उस मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका वहां से लेके जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहां के बीच का जो अलाउंस एक्सपेंस है वो पूरा आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी ही प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ अगर आप वहां पे ट्रेनिंग करते हैं और आपका परफॉर्मेंस बाकी लोगों से अच्छा रहता है तो आपको वहां पे भी मेरिट लिस्ट रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग भी होती है, क्योंकि जैसे 40 है उसमें से मान लीजिए 10 लोग हैं उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग पीरियड में तो उन्हें और अच्छी पोजीशन मिलेगी, साथ ही साथ उनका जो पोस्टिंग होगा वो भी काफी अच्छे बेसिस पे होगा। इसके अलावा कुछ और खास चीजें हैं जो उन्होंने मेंशन करी हैं एज अ नोट के बेसिस पे जिन्हें आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए, आप नेवर अरेस्टेड वगैरह नहीं होने चाहिए किसी भी चीज में, आप कभी भी किसी भी जैसे UPSC के बिलोंग के अगर पेपर आप दे चुके हैं तो आप उससे डिबार्ड वगैरह नहीं होने चाहिए, और आपका NDA, IMA, OT, नेवल अकेडमी या फिर कोई और आर्मी से रिलेटेड सर्विसेज में से आपका एलिजिबिलिटी प्रॉपरली होनी चाहिए आप अप्लाई करने के लिए, मतलब उसमें से आप कभी डिबार या फिर मतलब कैंसल ना हुआ हो आपका एप्लीकेशन वगैरह। और इसके अलावा कोई भी क्वारी या फीडबैक आपको रहती है तो आप डेफिनेटली उनकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की वेबसाइट पर जाके लिख सकते हैं जो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है भरने का वो इस प्रकार है, इसमें एप्लीकेशन की जो डेट है वो 25 फरवरी से चालू हो गई है और 25 मार्च तक रहेगी, इसलिए आप प्लीज लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा अप्लाई करने पे। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाए आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। आपको पता है ये गवर्नमेंट का पेपर है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसीलिए क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे एक साथ अप्लाई करते हैं तो कभी कभी क्रैश हो जाता है, इसलिए जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पे आपको ये भरना है। आपको
इससे जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही दूसरे प्रकार की जो जॉब वैकेंसीज यहाँ पे निकलती रहती है उसके भी सारे अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे जहाँ पे आपको थर्ड वाला जो मिलेगा उसमें आपको यहाँ दिखेगा ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन। यहाँ पे आपको ये वाला दिखेगा, अपने को करना है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 133। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे जो कि पीडीएफ मैंने ऑलरेडी लगाया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको सारे दिख जाएगा एप्लीकेशन अप्लाई करने का प्रोसेस। यहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें सारे डिटेल्स रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे अप्लाई करने के, जो आप पूरी तरह देख सकते हैं अप्लाई करने के पहले। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है अगर आपका पहले से आईडी नहीं है तो, और अगर है तो आप उसको प्रॉपरली अप्लाई डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। आप इन एक एक करके पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। जब इसे पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसा कि आपने देखा रजिस्टर करने के बाद आपके वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन्हें आप फॉलो कर उन्हें पूरी तरह से पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर हम डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद, तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल भरना है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस और एनसीसी वगैरह में अगर आप हैं तो उनका उसका सर्टिफिकेट। ये सब भरने के बाद अपना चेक एलिजिबिलिटी करेंगे, अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म रही तो वो आपको आगे प्रोसीड करने देगा और आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन का वो पूरी तरह से भर जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।